जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम। ये तीनों नए कानून हमारे पूरे देश में लागू हो गए हैं। लेकिन इन तीनों कानून में पिछले जो हमारे पुराने कानून थे उनसे अलग क्या है, क्या नई नई चीज़ें इस कानून में जोड़ी गई है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट और फ़ोन कॉल इसी तरह की आ रही थी कि सर, नए कानून लागू होने के बाद पुलिस के पास काफ़ी पावर आ चुकी है, तो क्या ये सच है या नहीं। और आज की इस वीडियो में हम यही सब टॉपिक क्लियर करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर के पास इस नए कानून के द्वारा बहुत सारी पावर आई है, और अगर आई भी है तो क्या अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलत काम करता भी है तो क्या आप पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। और जैसा कि आप लोगों को पता था, हमारा जो पुराना क्रिमिनल लॉ इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता होता था, उसमें अगर कोई पुलिस वाला कोई गलत काम अपनी ड्यूटी के दौरान करता भी था तो हम मजिस्ट्रेट के यहाँ जा करके उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते थे। तो क्या अब भी पुराने कानून की तरह हम मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में मैं आपको विद सेक्शन और विद प्रूफ ये सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई घटना घटित होती है या कोई अपराध होता है जो कि कोग्निजिबल यानी सीरियस मामला है, तो वहाँ पर पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करें, या जब कोई अपराध हो जाता है और आप थाने जाकर कंप्लेन देते हैं और FIR दर्ज कराते हो, इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाती है कि अपराध किसने किया, कैसे अपराध हुआ और कहाँ ये अपराध हुआ और किस टाइम किस समय ये अपराध घटित हुआ, किन लोगों ने इसे देखा और गवाहों को इकट्ठा करना। तो ये सब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाती है। और हमारी जो पुरानी CRPC थी उसमें एक सेक्शन 156 में ये बात क्लियरली मेंशन थी कि जो पुलिस वालों को ये पावर देती थी कि FIR दर्ज होने के बाद बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आप जांच शुरू कर सकते हैं। तो यही सेक्शन हमारे नए कानून में भी जोड़ा गया है, सेक्शन 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। यानी अब सेक्शन 156 कन्वर्ट हो गया है सेक्शन 175 में। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक नया क्लोज जोड़ दिया गया है, क्लोज 4। तो सेक्शन 175 क्लोज 4 ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते दौरान अगर किसी व्यक्ति के साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ मारपिटाई करता है या बिना वजह कोई गलत काम करता है, अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का अपराध करता है, तो एक आम इंसान उस पुलिस वाले के अगेंस्ट डायरेक्टली FIR दर्ज नहीं करा सकता। ये बात सेक्शन 175 क्लोज 4 में लिख दी गई है। और इस सेक्शन में ये भी लिखा गया है कि अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है तो सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाकर एक एप्लीकेशन लगानी है और मजिस्ट्रेट साहब उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनको बुलाएंगे और सबसे पहले उनसे भी पूछा जाएगा और उनसे परमिशन मांगी जाएगी। उसके बाद सुपीरियर ऑफिसर उस मामले की छानबीन यानी कि जाँच करेंगे। इसलिए जिस भी पुलिस वाले के खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है सबसे पहले उसको बुलाएंगे और उनके द्वारा ये पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है और आपके खिलाफ केस दर्ज होने जा रहा है, और उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे भी यही पूछा जाएगा कि क्या आपका पुलिस वाला इस तरह की हरकत कर सकता है। और यहाँ पर ये बात जरूर होगी, शायद एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ ना जाए, क्योंकि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को ज़रूर सपोर्ट करेगा और वो हमेशा से यही कहेगा कि हमारा पुलिस वाला अच्छा आदमी है और उस पर कोई केस दर्ज ना करे, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी करता है। तो ये कानून लागू होने के बाद अब यही होने वाला है और ये पूरी की पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब के पास चलेगी। इसलिए अगर किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है तो सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट साहब के पास एक एप्लीकेशन लगानी होगी और एप्लीकेशन लगाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस वाले को भी बुलाएंगे और उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनको भी बुलाकर पूछा जाएगा और जांच की जाएगी। जांच में अगर कोई सबूत उस पुलिस वाले के खिलाफ मिलते हैं तो हो सकता है कुछ केसेज में FIR दर्ज हो जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर मामलों में FIR दर्ज नहीं होगी।
क्योंकि पहले हमारा जो पुराना कानून होता था उसमें हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर भी एफआईआर दर्ज करा देते थे सेक्शन 200 में, लेकिन अब सेक्शन 200-223 संहिता ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेन आती है तो मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेन को देखते हैं और जिसने कंप्लेन दी है उससे पूछा जाता है और जो गवाह है उन्हें भी बुलाया जाता है, और अगर उन्हें लगता है कि इस कंप्लेन में कोई दम है या नहीं, कोई अपराध हुआ है, तो वह एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन अब सेक्शन 223 क्लोज 2 में भी यही बात लिखी हुई है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेन आती है कि किसी पुलिस वाले ने मेरे साथ मारपीट की है, बदतमीजी की है, तो मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले उस पुलिस वाले को बुलाकर पूछेंगे कि क्या तुमने इस तरह की हरकत की है, और उसके बाद उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है उनसे भी यही चीज़ पूछी जाएगी कि तुम्हारे पुलिस वाले के खिलाफ इस तरह की कंप्लेन आई है और उस पर इस तरह का आरोप है, और जांच में कोई सबूत उस पुलिस वाले के खिलाफ मिलते हैं जो कि ना के बराबर है, क्योंकि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को ज़रूर सपोर्ट करेगा। तो मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ तो वो उस कंप्लेन को रद्द कर देंगे, क्योंकि पहले कानून में जब हमें कोई कंप्लेन दर्ज करानी होती थी तो वो सेक्शन 156 क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट साहब के पास जा करके कंप्लेन दर्ज कराते थे, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये सेक्शन बदलकर सेक्शन 175 क्लोज 4 हो गया है। तो ये है नए कानून की सच्चाई जो कि मैंने आपको विद सेक्शन विद प्रूफ दिखा दिया है, और जो ये नए क्लोज ऐड किए गए हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप ये बताइएगा कि हमारे जो नए लॉ लागू हुए हैं ये कितने अच्छे हैं और नहीं है, क्या असल में पुलिस वालों के पास कोई पावर आई है, और अगर वो कोई गलत कार्य करेंगे तो उनके अगेंस्ट कोई केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेन दर्ज कराने के लिए नहीं जा सकते, बल्कि उल्टा उनसे ही ये पूछा जाएगा कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आप बता दीजिए, और आपके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनसे भी यही पूछा जाएगा और उनसे ही इस मामले की जांच मांगी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।